अगर मगर टगर। आओ बच्चे, हम सब डालें पर्यायवाची शब्दों पे नजर। हाँ हाँ, पर्यायवाची सब मैं, ये क्या होता है? अच्छा, आपको नहीं पता, ठीक है बच्चों, मैं बताती हूँ। पर्यायवाची अर्थात समानार्थी शब्द, जब किसी शब्द के अनेक नाम हो लेकिन अर्थ की दृष्टि से उसका एक ही अर्थ हो, यानी समानता हो, अर्थ में समानता होनी चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। जैसे मैंने कहा सूर्य यानी रवि अर्थात सूरज, जिसके बिना धरती पर जीवन संभव नहीं हो सकता। आप जानते हैं कि जब सूरज की रोशनी धरती पर पड़ती है तो भोजन किसको किसको मिलता है? मनुष्यों को, पेड़ पौधों को और जानवरों को, और धरती पर ऊर्जा और ताप हमें किससे मिलता है? जी हाँ बच्चों, सूर्य से। और सूर्य के आने से ही धरती पे दिन होता है, इसलिए सूरज के कई नाम हैं, जैसे सूर्य, सूरज, दिनकर, दिवाकर, भास्कर और दिनेश, ऐसे ही इनके ढेरों नाम हैं। आज आपके बुक नंबर 21 और 22 आप देखेंगे कि इसमें पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। ये दो भागों में विभाजित है। जो फर्स्ट पार्ट है वो हल्के ग्रीन कलर का है और दूसरा पार्ट है जो येलो कलर का है। तो आपको जो ग्रीन पार्ट है वो ऐसे वन का भाग है, आपको उसे ही लर्न करना है और उसे से ही संबंधित आपको अपनी कॉपी में लिखना है, जो हम आपको पूर्व में बता चुके हैं। तो इसे समझाने के लिए मैं और भी कई ऐसे उदाहरण लेकर आई हूँ। आइए चलते हैं हम अपने उदाहरण की ओर। आइए बच्चों मेरे साथ, आइए अब हम देखते हैं एसी वन और एसी टू में किन किन भागों में बांटा गया है। एसी वन में आग, आग, आकाश और ईश्वर, इसके साथ ही हम देखेंगे एसी टू का भाग जो पेज नंबर 22 पे दिए गए हैं, कमल, गणेश और घर। जो येलो पार्ट है आप यहाँ देखेंगे चंद्रमा, पहाड़ और धरती, ये एसी टू के पार्ट हैं, आपको इन्हें अभी नहीं पढ़ना है। हम अभी पढ़ेंगे आग, आँख, आकाश, ईश्वर और जो मैंने पूर्व में बताया। आइए हम चलते हैं अपने उदाहरण की ओर कि किस प्रकार हम पर्यायवाची शब्दों को समझेंगे। हाथी, हाथी गन्ने खा रहे हैं। हाथी, इसका अन्य उदाहरण हम देखेंगे कि क्या है, गज, नाच रहा है। तो हाथी और गज ये पर्यायवाची शब्द है कि शब्द अनेक हैं लेकिन उनके अर्थ एक ही हैं। बादल बरस रहे हैं, मेघ बरस रहे हैं, अर्थात मेघ और बादल ये दोनों क्या है, समानार्थी शब्द अर्थात पर्यायवाची शब्द। सूर्य निकल आया है, सूरज निकल आया है, अर्थात सूरज और सूर्य शब्द अनेक हैं लेकिन अर्थ एक ही है। आज पाठशाला की छुट्टी है, आज किसकी छुट्टी है, पाठशाला की। आज विद्यालय की छुट्टी है, तो देखा सब बच्चों, पाठशाला और विद्यालय दोनों शब्द अलग हैं लेकिन उनका अर्थ एक ही है। बगीचे में फूल खिले हैं, बगीचे में पुष्प खिले हैं, अर्थात पुष्प और फूल के लिए अनेक शब्द हैं लेकिन अर्थ एक ही है। अनिल मेरा मित्र है, अनिल मेरा दोस्त है, तो दोस्त के लिए अनेक शब्द हुए हैं लेकिन इसमें अर्थ एक ही है, जिसे हम समानार्थी शब्द कहते हैं, ठीक है, इसे ही हम कहेंगे पर्यायवाची शब्द। तो आपको इतना होने के बाद यह बात समझ में आ गई होगी कि समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, अर्थात जिन शब्दों का अर्थ एक। अब हम चलते हैं पर्यायवाची शब्दों की ओर, जैसे आग। जानते हैं कि आग के बिना ना तो हमें ताप मिलती है ना हम अपना भोजन पका सकते हैं, तो इन्हीं आग का नाम अनेक हैं, जैसे अग्नि, अनल और पावक। इसके बाद हमारा दूसरा उदाहरण है आँख। आँख हम सभी के पास है नेत्र, हाँ हम सभी के पास दो नेत्र हैं, इन्हें हम कई नामों से जानते हैं। आइए देखते हैं क्या है, चक्षु, लोचन, नेत्र। इसके बाद है आकाश, आकाश नभ, गगन, अंबर। हाँ बच्चों, आकाश के नाम क्या क्या है, नभ, गगन, आसमान। अब आते हैं आग, आग हमारा हो चुका है। ईश्वर, ईश्वर हम सभी ईश्वर की अर्चना करते हैं और यह सृष्टि की रचना करने वाले हमारे ईश्वर ही हैं, तो हमें प्रभु की
क्या करनी चाहिए? अर्चना और वंदना करनी चाहिए। तो देखिए, ईश्वर के भी अनेक नाम हैं। सभी जाति और धर्म के लोग इन्हें कई नामों से पुकारते हैं, जैसे प्रभु, भगवान, परमात्मा। हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है बच्चों? वेरी गुड, कमल। देखिए, कमल के भी कितने नाम हैं? पंकज, नीरज, सरोज। अब देखेंगे गणेश। गणेश के क्या क्या नाम है? जी हाँ बच्चों, आप जानते हैं कि जब हम कोई भी अच्छे कार्य का शुरुआत करते हैं तो शुरुआत करने के लिए हमें गणेश भगवान की पूजा और अर्चना करना पड़ता है। तो गजानन, लंबोदर और गणपति, ये हमारे भगवान के नाम हैं। हाँ बच्चों, हिमालय से कौन सी नदी निकलती है? वेरी गुड, गंगा। हाँ, भगीरथी, मंदाकिनी और सुरसरी, इनके नाम हैं। हाँ बच्चों, हम सब कहाँ रहते हैं? घर में। कहाँ रहते हैं बच्चों? घर में। घर को हम किन किन नामों से पुकारते हैं? गृह, सदन, निकेतन। तो देखा बच्चों, पर्यायवाची शब्द कितने सारे हैं। ऐसे ही हमारे शब्द भंडार में कई पर्यायवाची शब्द हैं। तो अब हम इन्हें अपनी कॉपी में लिख लेंगे और उसे लर्न कर लेंगे। AC1 के भाग को अपनी कॉपी में आपने पहले ही लिख चुका है। इससे संबंधित आपको अगर कोई भी परेशानी हो या समझ में नहीं आ रहा है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से अवश्य रूप से पूछ सकते हैं। और सिर्फ ये AC1 का भाग ही आप अभी लर्न करेंगे। बाकी जो भाग बचा है वो AC2 में आपको बताया जाएगा और उसे आप अपनी कॉपी में AC2 के भाग की कॉपी में लिखेंगे, ठीक है? तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ इन्हीं शब्दों के साथ कि आप पर्यायवाची शब्दों को अच्छे से लर्न कर लेंगे। आपका दिन शुभ हो।